हेलो फ्रेंड्स, मैं रमेश चोपड़ा आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम बैटिंग के एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बिना बैटिंग पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बैटिंग जो है ये बॉलिंग का रिएक्शन है। रिएक्शन करने के लिए अगर आप बॉलर के एक्शन को समझेंगे, मींस बॉल को अच्छी तरीके से वॉच करेंगे, तो ही आप उस पर अच्छा रिएक्ट कर सकते हैं। ये टॉपिक मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पिछले कुछ महीनों से मेरे चैनल पे बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने क्वेश्चंस दिए हैं मुझे, जो मेरे से उनकी प्रॉब्लम मेरे से शेयर की हैं। उनमें से ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, हर तीसरा क्वेश्चन मेरे से इसी से रिलेटेड पूछा गया है। हम बॉल को हाथ से निकलते नहीं देख सकते, हम बॉल को वॉच करने की कोशिश करते हैं, बॉल को वॉच नहीं कर पाते। बॉल को हाथ से निकलता तो देख लेते हैं, पर उसके बाद कोई आइडिया नहीं होता। बॉल को हम एयर में देख लेते हैं, बॉल पिच करते देख नहीं सकते। बॉल बैट पे आ रही है, हम देख नहीं सकते। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये एक ही धागे में बंधी हुई हैं। तो मैंने सोचा कि इसी प्रॉब्लम के ऊपर ये वीडियो बनाया जाए। टॉपिक ही बहुत अच्छा है, इसके बिना बैटिंग आपकी इनकम्प्लीट है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है। ये होती है आपके स्टांस की पोजीशन से। स्टांस आपका बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए, रिलैक्स होना चाहिए, आंखें आपकी एक लेवल में होनी चाहिए ताकि आप स्ट्रोक खेलने के लिए अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर कर सकें। बट गलती यहीं से शुरू हो जाती है, क्यों कि आपकी आंखें लेवल में होती नहीं, आपका स्टांस रिलैक्स होता नहीं, आपके हेड में मूवमेंट रहती है। अगर हम वैसे भी देखें रूटीन में, अगर हम वॉक कर रहे हैं, अगर हमारा आंखों का लेवल एक है, हम वॉक करेंगे तो सामने जितना भी विजन है हमारा क्लियर होता है। हम टीवी वगैरह वॉच करते हैं, अगर हमारी आंखें लेवल में है, हेड हमारा स्टिल है, हम अच्छी तरीके से वॉच कर लेंगे। अब ज़रा इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए कि आपका हेड एक तरफ टिल्ट है, आपकी आंखों का लेवल ये जा रहा है, क्या आप किसी चीज़ को वॉच करने में कम्फर्टेबल हैं? आंसर है नहीं, आप कम्फर्टेबल हो ही नहीं सकते। अगर हम वॉकिंग करते हुए, नॉर्मल बातचीत करते हुए, नॉर्मल लाइफ जीते हुए अगर हमारी आंखों का लेवल एक होगा, यहाँ तो आप बॉलर के एक्शन पे रिएक्ट कर रहे हैं। स्टैंस में जब तक आपकी आंखें एक लेवल में नहीं होंगी, जब तक आपका स्टैंस रिलैक्स नहीं होगा, तब तक आप बॉल को प्रॉपरली वॉच नहीं कर पाएंगे। हम इन सब चीज़ों के ऊपर आज डिस्कस करेंगे। मेरा एक स्टूडेंट आपको दिखाएगा कि स्टैंस कैसा होता है, फिर मैं आपको बताऊँगा कि अगर हमारी ये हैबिट है, हम बॉल को प्रॉपर वॉच नहीं कर पा रहे, या थ्रू आउट इसकी फ्लाइट बॉल को वॉच नहीं कर पा रहे, या पैचेस में वॉच कर पा रहे हैं, तो ये कैसे होगा, इसकी ड्रिल्स कौन कौन सी हैं, मैं सारी आपसे डिस्कशन करूंगा। पहले हम देख लेते हैं कि एक रिलैक्स स्टांस क्या होता है, आंखों का लेवल क्या होता है। आपको बिल्कुल समझा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए कि जिस जिस प्लेयर ने आप में से अपना स्टांस रिलैक्स कर लिया, आंखें लेवल में आ गई, मान के चलिए कि आपकी आधी प्रॉब्लम इसी स्टांस के साथ ही ठीक हो जाएगी। देखिए, अब हम स्टांस पोजीशन में है, जो मैं आपको कह रहा था कि स्टांस रिलैक्स चाहिए। रिलैक्स इसलिए चाहिए कि आपके मसल्स अगर रिलैक्स होंगे वो प्रॉपरली काम कर सकते हैं। टेंस मसल, स्टिफ मसल्स प्रॉपरली काम नहीं करेंगे। ये सारा आपका आई हैंड बॉडी कोऑर्डिनेशन है, जो बैटिंग होती है उसमें हम देख रहे हैं कि रिलैक्स स्टांस क्या होता है। आप ध्यान से देखिए, बॉडी आपकी टोटल रिलैक्स रहेगी, बॉडी वेट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा। अब जो मैं आंखों का लेवल आपसे बात कर रहा हूँ, ये देखिए, ये है आंखों का लेवल। यहाँ मैंने कहा था कि अगर हल्की सी आपकी नेक टिल्टेड होगी, ये हल्का सा टिल्ट हो गया, अब देखो आंखों का लेवल ऐसे आ गया। ऐसे आंखों के लेवल पे आप बॉल को वॉच कर ही नहीं पाओगे, आपको बारी बारी से अपनी फोकस को रिफोकस करना पड़ेगा। जितनी बार आप इस पोजिशन में रिफोकस करेंगे, उतना ही आपका जो रिएक्शन टाइम है स्लो डाउन हो जाएगा। जितना आपका रिएक्शन टाइम स्लो डाउन होगा, उतनी ही आपकी सारी स्ट्रोक की जो एग्जीक्यूशन है वो स्पॉयल हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखिए स्टैंस पोजीशन में दो बातों का, एक टोटल रिलैक्स्ड बॉडी, दूसरा आंखों का लेवल एक। जब ही आंखों का लेवल होगा आप बॉल को प्रॉपर वॉच कर लेंगे। ये देखिए हमारी ड्रिल पहली है, बॉल हम कैसे अच्छा वॉच कर सकते हैं। बैटर से जो फीड करने वाला है वो अपने घुटने पर बैठा है, और ये जो डिस्टेंस है तकरीबन आपकी जो आधी पिच होती है, ये उतना ही डिस्टेंस है। यहाँ से
फीडर बॉल को रिलीज करेगा अंडर आर्म, ये एयर में जाएगी, फुल टॉस जाएगी, और जो बैटर है बॉल को वॉच करेगा और उसी पे रिएक्ट करेगा, उसको शॉट है वो उसी पे खेलेगा उसी हिसाब से। आप देखिए कैसे ड्रिल हो रही है बॉल को वॉच करने की, देखिए आप ये देखो बॉल को एयर में ही वॉच करना है, ये देखिए आंखें, देखिए आंखें कैसे बॉल के ऊपर आती हैं, वॉच। अब इसकी हमारी जो सेकेंड वेरिएशन है, सेकेंड पॉइंट है इसी ड्रिल का, अभी तक हम बॉल को फुल टॉस ले रहे थे, अब हम बॉल को पिच कराएंगे और पिच भी हमारा होगा वो एरिया जो आगे फ्रंट फुट की जो होती है शॉट, उस एरिया में। देखिए ध्यान से आप, ये देखो आंखें बॉल के ऊपर, ये आपकी इंटेंशनल एफर्ट होती है बॉल को वॉच करने की, आपको अपनी आंखों को अपने माइंड को बॉल पे लगाना ही पड़ेगा। हमारी नेक्स्ट ड्रिल है ये, देखिए मेरे हाथ में लेदर की बॉल है, अभी तक हम हाफ पिच से कर रहे थे, अब जो फुल लेंथ होती है पिच की वहीं से बॉल दिखाई जाएगी बैटर को, कैसे देखिए आप, ये देखो ये वन फिंगर है, ध्यान देख लीजिए आप, वन फिंगर, ये टू फिंगर और ये थ्री फिंगर, नज़र आया आपको, हम यही करने वाले हैं, वहाँ से हम थ्रो डाउन देंगे, यहाँ से हमारा हाथ जब कान के पास आएगा हम ये रोकेंगे फॉर ए सेकेंड, सिर्फ एक सेकेंड के लिए, बैटर को वहाँ से बताना है वन फिंगर, ये आया रोका, टू फिंगर, ये आया रोका, थ्री फिंगर, रुकेगा सिर्फ एक सेकेंड के लिए, लंबा टाइम नहीं रुकेगा। अगर आप ये फिंगर्स बता पा रहे हैं इसका मतलब बॉल को वॉच कर रहे हैं, बॉल रिलीज नहीं होगी, सिर्फ वहीं से आपको बताना है फिंगर वन टू और थ्री। तो हम देख लेते हैं वो ड्रिल कैसे है, ये वो ड्रिल है जहां पे आप बॉल को वॉच कर रहे हैं, आपका माइंड विजन दोनों बॉल के ऊपर है, ये उसको इम्प्रूव करने के लिए, ध्यान से देखिए, थ्री टू वन, टू वेरी गुड, वन थ्री। तो ये है हमारी सेकेंड ड्रिल। अब इसके बाद हम नेक्स्ट ड्रिल पे आ रहे हैं बॉल को और अच्छी तरीके से वॉच करने के लिए। ये मेरे हाथ में देख रहे हैं आप, ये बैट पतला बैट है, इसको मिडलर कहा जाता है, बॉलर बॉल को फीड करेगा वही आधी पिच से ही फीड करेगा और बैटर बॉल को वॉच करेगा, इसमें आपका आई और हैंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, आपकी आईज ट्रेन होती हैं बॉल को वॉच करने के लिए। अब ध्यान से देखिए ये ड्रिल भी बहुत यूजफुल है, मिडलर के साथ पतले बैट के साथ बॉल को खेलना, मिडल करना, बॉलर के एक्शन पे रिएक्ट करना। अब वो देखिए, अब बैटर से फीड करने वाला जो है वो आधी पिच के डिस्टेंस पे है तकरीबन, यहाँ से अंडर आर्म फीड होगा, बॉल लो फुल टॉस हो सकती है, बॉल और पिच हो सकती है, बट आंखें बैटर की बॉल के ऊपर रहेंगी, हाथ में पतला बैट है, ये बॉल को मिडल करने की कोशिश करेगा, ये प्रूव करेगा कि हमारी आंखें बॉल के ऊपर फोकस्ड हैं। ये देखिए कितना अच्छा मिडल हुआ है, गुड आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, बॉल को प्रॉपर वॉच कर रहा है, देखिए कितनी अच्छी ड्राइव है ये। तो ये आपने देखा अभी कैसे हमारे एक स्टूडेंट ने आपको अलग अलग ड्रिल्स दिखाई, सक्सेसफुली की उसने, और ऐसे आप अपनी आंखों को अपनी आईज को ट्रेन कर सकते हैं बॉल को वॉच करने के लिए। ये एक प्रोसेस है, यहाँ आपको इंटेंशनल एफर्ट करनी पड़ती हैं अपनी आंखों को बॉल के ऊपर लगाने के लिए, दिमाग को बार बार, माइंड और विजन को बार बार इकट्ठा करना पड़ता है आपको। यहाँ एक कन्फ्यूज़न है जो अक्सर आप लोगों के जो जितने बैटर्स हैं उनके दिमाग में आता है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आते हैं कि हम बॉल को किस वक्त वॉच करना शुरू करें, क्या बॉलर जब रनअप में है तब, या बॉलर का बैक फुट लैंड कर रहा है तब, या उसका हाथ रिलीज के लिए आ रहा है उस वक्त। इवेंचुअली तो आपको जब बॉल रिलीज़ हो रही है वहीं देखना है, बट उसका मतलब ये नहीं कि हमारी फोकस पहले नहीं लगेगी, आपकी फोकस तब से लग जाती है जब बॉलर अपने रनअप में है, उस वक्त तो आपको बॉल नज़र नहीं आएगी उसके हाथ में, बहुत सारे बॉलर हाथ को छुपा के बॉल को छुपा के आते हैं, तो आपने जनरली जब बॉलर रनअप में आ रहा है उस वक्त आपने फोकस उस पर लगानी है। जैसे ही उसका बैक फुट लैंड करता है अपनी डिलीवरी स्ट्राइड में वो आता है, यहाँ से उसके आर्म्स का एक्शन शुरू होता है, यहाँ पे आपकी फोकस उस पर लगती है। अभी आपने देखा होगा एक ड्रिल जिसमें एक फिंगर
दो फिंगर और तीन फिंगर्स ये वाली ड्रिल थी, ये ड्रिल आपको हेल्प करेगी बॉल को हाथों में वॉच करने के लिए जब बॉल रिलीज हो रही है। आपने एक ड्रिल और देखी जहाँ पे पतले बैट के साथ मिडलर के साथ हमारा स्टूडेंट खेल रहा था, वो भी आपको हेल्प करेगी बॉल को थ्रू आउट देखने के लिए। ये नहीं कि आपने यहाँ पे रिलीज देख ली और आपका काम खत्म, नो, आपने बॉल को रिलीज होते देखना है, बॉल को एयर में ट्रेवल करते देखना है, बॉल को पिच करते भी देखना है। अब इसके बाद आपका फ्रंट फुट का शॉट है, बैक फुट का शॉट है, आपके विजन और आपकी बॉल के बीच आपका बैट आ जाता है। इस वक्त आप बॉल को देखते नहीं हो, इस वक्त आप साउंड को सुनते हो। इसीलिए कहा जाता है कि जितनी आपकी सेंसेस हैं वो सारी सेंसेस इसमें मिलती हैं, लगती हैं, अपना अपना काम करती हैं और आप बॉल को प्रॉपर जज करके अपने स्ट्रोक को सही एग्जीक्यूट करते हो। एक चीज़ जो आपको बहुत मेहनत करके करनी है वो है जब नेट में आप जाते हैं उस वक्त अपनी आंखों को ट्रेन करें, अपनी आईज को ट्रेन करें बॉल को वॉच करने के लिए। लंबा बॉलर के रनअप से लेके स्ट्रोक की कंप्लीशन तक, क्योंकि स्ट्रोक खेलने के बाद आपको सिंगल डबल रन लेना होता है, कई बार ट्रिपल लेना होता है, कई बार ट्रिपल रन लेते लेते ही आप देखते हैं कि बॉल बाउंड्री के पार चली जाती है। आपको इन सब चीज़ों से अवेयर होना है, आपकी आंखें थ्रू आउट बॉल के ऊपर लगी रहनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि बॉल को हम कैसे वॉच करें इस पूरे प्रोसेस के ऊपर दिखाई गई आपको ड्रिल्स और बताए गए पॉइंट्स अच्छे लगे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। वो व्यूअर्स जो मेरी इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।